मास्टरिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझना और उसमें महारत मास्टरी हासिल करना एक ऐसी कला है जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर सफलता, मतलब बिजनेस सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस हो सकती है। यह व्यापक मार्गदर्शिता मानव व्यवहार की बारीकियों में गहराई से उतरती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, व्यवहारिक तकनीकों और वास्तविक जीवन में इसके अनुप्रयोगों की जाँच की गई है। मानव व्यवहार में मास्टरी हासिल करके आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं, अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और दूसरों को प्रभावी और नैतिक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द नेचर विज नर्चर। मानव व्यवहार अनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों दोनों से आकार लेता है, जिसे सामान्यतः प्रकृति बनाम पोषण बहस कहा जाता है, या अनुवंशिकता स्वभाव और बुद्धिमत्ता जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है। वहीं लालन पालन, संस्कृति, जीवन के अनुभव जैसे पर्यावरणीय कारक व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंतःक्रिया को समझने से आप मानव क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की जटिलता को सराह सकते हैं। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ह्यूमन बिहेवियर के मूल में मौलिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो ने अपनी प्रसिद्ध पदानुक्रम में इन आवश्यकताओं की पहचान की, जो बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, पानी और आश्रय या अकोमोडेशन से लेकर उच्च स्तर की आवश्यकताओं जैसे आत्म सम्मान, आत्म साक्षात्कार तक फैली हुई है। लोग इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे समझने से यह स्पष्ट हो सकता है कि वे कुछ निश्चित तरीकों से क्यों व्यवहार करते हैं। द रोल ऑफ इमोशंस, जो इमोशंस है व्यवहार की शक्तिशाली, बिहेवियर की शक्तिशाली प्रेरक होती हैं। भय, क्रोध, खुशी, दुख, निर्णय क्रियाओं और बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवहार में महारत मास्टरी हासिल करने के लिए भावनात्मक आधार को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भय से बचाव का व्यवहार हो सकता है, जबकि खुशी से सामाजिक बंधन और सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें सबसे पहला व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपकी अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। उच्च EI और बेहतर संबंध, प्रभावी संचार और नेतृत्व कौशल से जोड़ा गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर अग्रणी विशेषज्ञ डैनियल गोलमैन ने 5 घटकों की पहचान किया, आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसमें आपकी भावनाओं, ताकत, कमजोरियों और ट्रिगर्स को समझना शामिल है। सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर चिंतन करें, जर्नलिंग करें, माइंडफुलनेस और दूसरों से फीडबैक लेना इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना आपकी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसका अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करना है। गहरी सांस लेने, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, प्रतिक्रिया देने से पहले विराम लेने जैसी तकनीकें भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, मजबूत रिश्ते बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। संचार, संघर्ष समाधान और टीम वर्क जैसे सामाजिक कौशल आपको सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं। सक्रिय सुनने का अभ्यास करके, गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करके, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर आप अपनी सहानुभूति, इमोशंस और सामाजिक कौशल को बढ़ा सकते हैं। बिहेवियरल पैटर्न एंड ट्रिगर्स, सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। मानव व्यवहार अक्सर कुछ उत्तेजनाओं या स्थितियों को जवाब में पैटर्न का पालन करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आलोचना किए जाने पर लगातार क्रोधित हो सकता है। इन पैटर्नों को पहचान कर आप व्यवहार की अधिक प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी और समझ कर सकते हैं, विशेष रूप से संघर्ष समाधान और बातचीत में उपयोगी है। हैबिट फॉर्मिंग एंड चेंज, ट्रिगर्स की पहचान करना। ट्रिगर वे विशेष घटनाएं उत्तेजनाएं हैं जो विशेष व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चिंतित हो सकता है या सवाल पूछे जाने पर रक्षात्मक हो सकता है। ट्रिगर्स की पहचान करने से आपको अपनी प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करने और दूसरों के व्यवहार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की अनुमति मिलती है। ऐसा करने के लिए विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें और अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए प्रश्न पूछें। आदत निर्माण और परिवर्तन, आदतें वे व्यवहार हैं जो दोहराव के माध्यम से स्वचालित हो गई हैं।
आदतें कैसे बनती हैं? संकेत, दिनचर्या, इनाम को समझना सकारात्मक व्यवहार विकसित करने और नकारात्मक व्यवहार को तोड़ने में मदद कर सकता है। चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट आदत निर्माण और परिवर्तन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आदत बदलने के लिए संकेत की पहचान करें, दिनचर्या को एक अधिक सकारात्मक दिनचर्या में बदलें, व्यवहार को पुरस्कृत करके मजबूत करें। नेक्स्ट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ परसुएशन, साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रभाव दूसरों के दृष्टिकोण, विश्वासों या व्यवहारों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। रॉबर्ट सियाल्दिनी की पुस्तक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में प्रभाव के 6 सिद्धांतों की पहचान की है। पारस्परिकता, प्रतिबद्धता, स्थिरता, सामाजिक प्रमाण, अधिकार, पसंद और दुर्लभता। इन सिद्धांतों को विभिन्न संदर्भों में लागू किया जा सकता है, जैसे कि मार्केटिंग से लेकर लीडरशिप तक। बिल्डिंग रैपो एंड ट्रस्ट, विश्वास प्रभाव की नींव है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना रखते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं और जिसके साथ वे एक संबंध महसूस करते हैं। तालमेल बनाना, आम जमी खोजने, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाने और विश्वसनीय होने से जुड़ा हुआ है। शरीर की भाषा को प्रतिबिंबित करने और आँखों में संपर्क बनाए रखने जैसी तकनीकें शामिल तालमेल बनाने में मदद कर सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसे पहले नैतिक प्रभाव, हालांकि प्रभाव शक्तिशाली हो सकता है लेकिन इसका नैतिक रूप से उपयोग करना आवश्यक है। हेरफेर, जिसमें दूसरों को व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखा देना या बाध्य शामिल है, रिश्तों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों, नैतिक प्रभाव में पारदर्शिता, दूसरों की स्वायत्तता को सम्मान करना और जीत जीत के परिणामों की तलाश शामिल है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष मानव संबंधों का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो विचारों, मूल्यों या हितों में मतभेदों से उत्पन्न होता है। संघर्ष असहज हो सकता है लेकिन यदि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह विकास और नवाचार के मार्ग भी खोल सकता है। संघर्ष के मूल कारणों को समझना, जैसे गलतफहमी, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा, असंगत लक्ष्य, इसे हल करने का पहला कदम है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है जो स्थिति और शामिलों पक्षों में पर निर्भर करती हैं। अवॉइडेंस, कभी कभी संघर्ष से बचना सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है, विशेष रूप से यदि मुद्दा मामूली हो या अधिक उत्पादक चर्चा के लिए भावनाएं बहुत अधिक हों। एकोमोडेशन, इसमें दूसरे पक्ष की इच्छाओं के आगे झुकना शामिल है, अक्सर संबंध बनाए रखने के लिए, हालांकि इसे अनावश्यक क्रोध से बचने के लिए संयम इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्रोमाइज, दोनों पक्ष को छोड़ देते हैं ताकि एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंच सके। यह तब उपयोगी होता है जब दोनों पक्षों के पास वैध बिंदु हों, वे समझौते के लिए तैयार हों। कोलैबोरेशन, इसमें एक ऐसा समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना शामिल है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, हालांकि इसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, यह अक्सर सबसे स्थायी परिणाम प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। सबसे पहला है द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। संस्कृत व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है या मूल्य, मानदंड, सामाजिक अपेक्षाएं निर्धारित करती है जो एक संस्कृति में स्वीकार्य व्यवहार माना जाता है, वह दूसरों में गलत हो सकता है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझना एक वैश्वीकृत दुनिया में आवश्यक है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ बातचीत आम होती है। इसमें विभिन्न संचार शैलियों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकार को प्रति दृष्टिकोण की जानकारी शामिल होती है। सोशल नॉर्म एंड ग्रुप बिहेवियर, सामाजिक मानदंड। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, जो समूह में व्यवहार के अनलिखित नियम होते हैं, व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। लोग अक्सर इन मानदंडों का पालन करते हैं ताकि स्वीकृति प्राप्त कर सकें या अस्वीकृति से बच सकें। समूह गतिशीलता, जैसे कि साथियों का दबाव और सामंजस्य की इच्छा, ऐसी व्यवहारिक आदतें पैदा कर सकती है जो व्यक्ति अकेले में नहीं दिखाता। इन गतिशीलताओं को समझकर समूह व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है और सकारात्मक समूह बातचीत को प्रोत्साहित किया जा सकता है। द रोल ऑफ सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी जो एक व्यक्ति को आत्म अवधारणा का हिस्सा है और उनके सामाजिक समूहों जैसे राष्ट्रीयता, धर्म, पेशा में उनकी सदस्यता से उत्पन्न होता है, ये भी व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लोग अक्सर अपने सामाजिक पहचान के अनुरूप कार्य करते हैं और वे इन ग्रुप पसंद और आउट ग्रुप पूर्वाग्रह दिखा सकते हैं। सामाजिक पहचान को समझना पूर्वाग्रह को कम करने और समावेशित को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। सेल्फ मास्टरी, द फर्स्ट स्टेप टू बिहेवियरल मास्टरी। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मास्टरी, दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने से पहले अपने स्वयं के व्यवहार में महारत हासिल करना आवश्यक है। आत्म नियंत्रण में आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और निरंतर आत्म सुधार शामिल होता है।
यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण लेने के बारे में है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और उदाहरण से नेतृत्व कर सके। डेवलपिंग सेल्फ मास्टरी, आत्म अनुशासन वह क्षमता है जो तात्कालिक संतोष को स्थगित करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करना आत्म अनुशासन को विकसित करने में सहायक हो सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान भी केंद्रित करके और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अडेप्शन, मानव बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर लगातार डेवलप हो रहा है, जो बदलते हालात, नए अनुभव और निरंतर सीखने से प्रभावित होता है। व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप विकासशील मानसिकता को अपनाएं, चुनौतियों को स्वीकार करें और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जिज्ञासु बने रहना, फीडबैक लेना, लगातार अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना निरंतर व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल मास्टरी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप में मानव ह्यूमन बिहेवियर, लीडरशिप में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें मास्टरी करना, टीमों को प्रेरित करने, संघर्ष को हल करने और एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जो लीडर अपनी टीम के सदस्यों को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, वे निष्ठा प्रेरित कर सकते हैं और प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। सेवक नेतृत्व जैसी तकनीकें जहाँ नेता टीम की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, और परिवर्तनकारी नेतृत्व जो दूसरों को प्रेरित और सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, विभिन्न संदर्भों में प्रभावित हो सकते हैं।